Hello everyone, welcome back to my channel and very good evening to everyone. So let's get started with the fallopian tube. हमारा external genital organs चल रहा था, उसके बाद हमने finish किया, फिर उसके बाद हमने internal genital organ का first topic लिया था, the uterus. उसके बाद next topic हम लोग लेंगे fallopian tube, जिसको हम लोग uterine tube या फिर oviduct भी बोलते हैं. तो जो uterine tube जो होता है वो paired structures होते हैं, मतलब कि टू होते हैं दोनों साइड, ईच वन इज़ ऑन लेफ्ट एंड वन इज़ ऑन राइट. दोनों 10 सेंटीमीटर के होते हैं, सिचुएटेड होते हैं मीडियली. 3/4 होता है जो अपर फ्री मार्जिन्स से अटैच होता है ब्रॉड लिगामेंट से, और ईच ट्यूब जाकर के ओपनिंग किस में होती है, वन कम्युनिकेशन होता है विद द एक लेटरल एंगल फॉर्मेशन करता है यूट्राइन कैविटी से, जिसको हम लोग यूट्राइन ओपनिंग बोलते हैं, जो कितनी होती है 1 mm की होती है, डायमीटर जिसका 1 mm होता है. अनदर थिंग, ये जो लेटरल एंड्स होते हैं ट्यूब्स के, जिसको हम लोग पेल्विक ओपनिंग कहते हैं या फिर एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं. ऑस्टियम मतलब एक टाइप की ओपनिंग, ठीक है, जो मेजर्स होती है 2 mm डायमीटर की. इसके अलावा हमारे इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम ये इसमें देखेंगे आगे. इसमें मेनली हमारे फोर पार्ट्स होते हैं. पहला होता है इंट्राम्यूरल और द इंटरस्टीशियल, सेकेंड होता है इस्थमस, थर्ड होता है एम्पुला, या फिर फोर्थ होता है फिर इन्फंडिबुलम. आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा फेलोपिन ट्यूब कैसे होते हैं. यहाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँगी, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा आपको व्यू मिल सके. ओके, जैसे ये हमारा यूट्रस रहता है, ठीक है, ये हमारा फंडस, ये हमारी बॉडी, फिर सर्विक्स, फिर आकर के बाद में वजाइना, ठीक है. यहाँ से जब हमारा एक ट्यूबल स्ट्रक्चर शुरू होता है, जा करके बाद में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग फिमरी बोलते हैं. ये कहाँ अटैच होते हैं, ये होते हैं ओवरी से, ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब. और भी अदर नेम्स हैं जो मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं पहले, ठीक है. अब हम चलेंगे इसके ऊपर, जो इसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा मीडियल से लेटरल हम लोग शुरुआत करते हैं. फर्स्ट है हमारा इंट्राम्यूरल, जिसको हम लोग इंटरस्टीशियल बोलते हैं. ये हमारी जो यूट्राइन वॉल होता है उससे स्टार्ट होता है और मेजर्ड होता है 1.2 सेंटीमीटर लेंथ में और 1 mm डायमीटर में, ठीक है. तो मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे वो क्या चीज़ हैं इनके, वो हमारे हैं इनके, जैसे ये हमारा मेजर्स कितने होते हैं, लेंथ कितनी होती है इनकी, डायमीटर कितनी है, ठीक है. सबसे पहले फिर उसके बाद हमने देखा है कि सबसे पहले हमारा जो है इंट्राम्यूरल या इंटेस्टाइन हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमारा जो इस्थमस है वो स्ट्रेट होता है एकदम, और मेजर्स कितना होता है, 3.4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में और डायमीटर में 2 सेंटीमीटर होता है. यहाँ आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पहले जो लेंथ थी वो कितनी कम थी. पहले की जो इंटरस्टीशियल है उसकी लेंथ फेलोपियन ट्यूब में 1.25 सेंटीमीटर की लेंथ थी और डायमीटर 1 mm का था, लेकिन इस्थमस में वही चीज़ जा करके इंक्रीज हो गई है, 3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक हो चुकी है लेंथ इसकी, और इसके अलावा 2 mm डायमीटर होता है. और इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्पुला का क्या लेंथ होता है, कितना डायमीटर है उसका, और क्या क्या मेजरमेंट है ये देखेंगे, ठीक है. जो एम्पुला होता है वो उसका तीसरा पार्ट होता है, जिसको हम लोग, ये एक टाइप का टॉर्टरस पार्ट होता है और मेजर्स कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 5 सेंटीमीटर होती है और जा करके वो इन्फंडिबुलम, इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा वाइडनिंग होती है इन्फंडिबुलम जो होती है 1.2 सेंटीमीटर, इसके मेजरमेंट है अलॉन्ग विद मैक्सिमम, जो इन्फंडिबुलम है उसकी सबसे ज़्यादा डायमीटर है, ठीक है. ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा सबसे पहला इंट्राम्यूरल था, हमारे 4 पार्ट्स हमारे हैं इसमें. सबसे पहले हमारा इंट्राम्यूरल हो गया, ठीक है,
इंट्राम्यूरल हो गया। इंट्राम्यूरल में आप देख सकते हैं 1.25 सेंटीमीटर है, 1 एनएम डायमीटर है। इस्थमस हो गया इसके बाद, इस्थमस स्ट्रेट होता है, मेजर करता 3.4 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 एमएम इन डायमीटर। फिर एम्पल आ जाता है, ये भी मेजर कितना होता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे फेलोपियन में सबसे बड़ा क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग एम्पला होता है। इसके बाद इन्फेंटिबुलम वाइड होता है, ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 एमएम का डायमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो गाइस यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देख सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर की है ये। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये जो एब्डोमिनल ऑस्टियम होते हैं ये सराउंडेड होते हैं नंबर ऑफ़ रेडिएटिंग फिम्ब्री, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग जा करके फिम्ब्री बोलते हैं। समझ लीजिए 20 से 25 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होते हैं, जो नियर बाय 20 to 25 नंबर्स में हम कह सकते हैं होते हैं। और इसमें से एक सबसे बड़ी होती है, बाकी सबसे जो अटैच होती है आउटर पोल, मतलब ओवरी के आउटर पोल निकला होता है उससे, जिसको हम लोग ओवेरियन भी बोलते हैं, ठीक है, ओवेरियन फिम्ब्री बोलते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मेनली इसकी 3 लेयर्स होती हैं, सीरस होती है, मस्कुलर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सीरस पेरिटोनियम ऑल साइड एक्सेप्ट अलोंग द लाइन ऑफ अटैचमेंट म्यूसोसेल्फिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद मस्कुलर अरेंज होती है 2 लेयर्स में, लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, थ्रोन करता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स और एपिथीलियम रेस्ट ऑन डुप्लीकेट वेस्कुलर रेटिकुलम कनेक्टिव टिश्यूज़, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें मेनली आप कह सकते हो 3 ऐसे सेल्स होते हैं जो लाइन किए रहते हैं। पहले ऐसे होते हैं कॉलोनार सिलिएटेड एपिथीलियल सेल्स होते हैं, सेक्रेटरी कॉलोनार सेल्स होते हैं और पैक सेल्स। हमारा मतलब यही है कि अगर जैसे आपने ये, अगर आपका एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ रहा है तो आपको इतना डिटेल में जाने की, अगर यू आर डूइंग सम डिप्लोमेटिक कोर्सेज और या फिर आप ऐसे कोई बैचलर्स कर रहे हो तो उसमें आपको इतना डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन आया डिटेल डिस्कशन ऑन द फेलोपियन ट्यूब और द यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, किसी भी 3 नामों से पूछा जा सकता है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर देना है फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब आप ऐसे या फिर यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, नाम से ही आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जो यूट्राइन ट्यूब्स है ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मेजर्ड होते हैं 10 सेंटीमीटर, सिचुएटेड करते हैं मीडियली 3/4 ऑफ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। इतना हमने डिफाइन कर दिया। फिर इसके पार्ट्स में आ जाओ, ज़्यादा बहुत अच्छा आपको प्रेजेंटेशन देना है, आउटलुक देना है, तो आप उसका एक रफली डायग्राम ड्रॉ करके आप बहुत ही अच्छे से कैसे वहाँ के जो 3-4 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इंट्राम्यूरल, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला या फिर इन्फंडिबुलम, और इसके क्या क्या जो क्या क्या लेंथ है, कितनी लेंथ है, कौन इसमें वाइडेस्ट है, कौन इसमें लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब आप फर्दर आप अपने डिग्री कोर्सेज कम्प्लीट करने के बाद जब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कम्प्लीट करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज़ द लॉन्गेस्ट वन, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं इंट्राम्यूरल, इस्थमस और एम्पुला और इन्फेंटिबुलम। यहाँ हमने क्लियरली रीड किया है कि एम्पुला जो है वो हमारा क्या होता है, सबसे उसकी लेंथ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अब इतनी लेंथ किसी अदर पार्ट्स की नहीं होती। उसी तरह इन्फेंटिबुलम एक ऐसा पोर्शन है जिसकी जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्या है 6 mm, ठीक है। इसके बाद 20 to 25 हमारे फिम्ब्री होती है जिसमें से एक प्रोजेक्शन सबसे लॉन्गेस्ट होता है, जो कि पोल ऑफ द ओवरी से जाके कनेक्टेड होती है, जिसको हम लोग ओवेरियन फिम्ब्री बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सीरस होते हैं, मस्कुलर होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन फर्दर जा करके 3 चीज़ों से फॉर्म्ड होती हैं, लाइंड होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले होता है कॉलोनार सिलिएटेड एपिथीलियम होता है, ये 25% म्यूकस सेल्स होते हैं और सेक्रेटरी कॉलोनार सेल्स होते हैं। और इसके अलावा पैक सेल्स होते हैं जो फाउंड कहाँ पे होते हैं, अबव 2 सेल्स में होते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ये सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम ही यही होता है कि वो म्यूकस सिक्रीट करे, ताकि जो भी पर्टिकुलर उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या फंक्शंस का होता है ओवेरियन ट्यूब का, यूट्राइन ट्यूब का, सॉरी दैट इज़ नॉट अ ओवेरियन ट्यूब, दैट इज़ अ यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। सो क्या सबसे मेन फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, सबसे मेन फंक्शन है इसका,
सबसे मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में बहुत सबसे पहले मेन यही होता है इसका ट्रांसफर, गैमिट्स का ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्शन के टाइम पर ड्यूरेशन, जो कि ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म्स को एंड फैसिलिटेट टू रीचिंग द ओवा तक रीच करने में, ये गैमिट्स। गैमिट्स क्या है, गैमिट्स ऑपोजिट मेल जेंडर के हैं, मेल का जो स्पर्म दैट इज़ अ गैमिट्स, ठीक है, एक टाइप का गैमिट ही तो है जो जाकर बाद में ओवा से जाकर मीट करता है। तो फैलोपियन ट्यूब कहीं ना कहीं उसको यूट्रस से होते हुए उस तक पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। फैसिलिटेट क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला जंक्शन पे, इसका एम्पुलरी और स्टेमस जंक्शन पे बहुत ही बढ़िया से इसका हम आगे जाकर के डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। फैलोपियन ट्यूब इसका बहुत ही बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ी अच्छी प्लेस होती है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन प्लेस करता है और सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द जायगोट इट्स सिक्रीशन। जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि पैग सेल्स कैसे हमारे सिक्रीटरी का काम करते हैं, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, वैसे ही वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जायगोट को सर्वाइव रखने के लिए ये क्या करते हैं, सिक्रीटरी सेल्स उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो वो भी कहाँ, सब ये सब कहाँ प्लेस्ड हो रहा है, ये सब हमारे फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर प्लेस्ड हो रहा है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई हम देख सकते हैं, ब्लड सप्लाई में हमारे यूट्राइन एंड ओवेरियस पे कैसे कैसे क्या क्या ब्लड आर्टेरियल सप्लाई होता है, वेनस ड्रेनस का किससे होता है, हमारा पैम्पिनोफॉर्म प्लेक्सस जो होती है, प्लेक्सस में पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा, एक टाइप का जो जैसे हमारा मतलब क्लस्टर्स ऑफ वेन्स हो गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वो मतलब वेनस ड्रेनेज किससे होता है, ओवेरियन वेन्स से होता है। लिम्फैटिक में क्या होता है, ओवेरियन वेसल्स के साथ पैरा एरोटिक नोड्स होती हैं जो कि इनका लिम्फैटिक ड्रेनेज करती हैं। इसके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने एक आप कह सकते हो डाइसेक्शन करके इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है ताकि ईजिली हम समझ सकें, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का मतलब डाइसेक्ट है किसका, यूट्राइन कैविटी का, फैलोपियन ट्यूब का, एक साइड का कट किया हुआ है ताकि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर अपन थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है, वेट अ मिनट, ओके, फाइन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं यूट्रस की, जब हम बॉडी कंप्लीट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि फंडस का स्ट्रक्चर, ये जो डोम स्ट्रक्चर होता है, ये जो डोम स्ट्रक्चर है ये हमारा फंडस है, ये इसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट, इसमें क्या है, ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट आ जाता है, इंटरस्टिशियल पार्ट कहाँ है, यहाँ से तुम देख सकते हो, आराम से तुम्हें दिख रही होगी कि यूट्राइन कैविटी हमारी यहाँ से है, फिर यहाँ से जाकर के यहाँ तक, ये क्या है, हमारी इंटरस्टिशियल है। आपने देखा होगा 1.5 सेंटीमीटर शायद इसकी लेंथ थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इस्थमस, इस्थमस ये है, इस्थमस दिस इज़ द पोर्शन, ये इस्थमस है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम देखोगे ये इपोफोन्स है, इसके बाद तुम देखोगे फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के ये, दिस इज़ समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद तुम देख सकते हो इनफंडिबुलम कहाँ पे है, विद द फिम्बरी, ये इनफंडिबुलम है, एम्पला तुम देख सकते हो लास्ट के यहाँ पे है, यही सबसे लॉन्गेस्ट होता है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो इनफंडिबुलम है ये सबसे वाइडेस्ट होता है, तुम यूजुअली तुम इसमें देख सकते हो कि कैसे पहले ये नैरो था, ठीक है, यहाँ से नैरो हो रहा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ जाके सबसे वाइड हो गया, क्योंकि इसका इनफंडिबुलम होता तो 1.5 सेंटीमीटर तक की लेंथ है, बट उसकी जो विड्थ जो डायमीटर है वो कितना होता है उसका, 6 mm होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक जो इसमें अटैच नहीं है बट एक्चुअली होता ही ऐसा है,
कि यहाँ से इसकी एक लॉन्गेस्ट ऐसी फिमरी होती है, सॉरी जैसे ये दिया हो ना, इसमें डायग्राम अच्छे से दिया नहीं है, ऐसे 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 होती है, इसमें से एक लॉन्गेस्ट वेट अ मिनट, जैसे ये है, इसमें से एक लॉन्गेस्ट जा कर के ओवरी से अटैच हो जाएगी, तो उसको हम लोग ओवेरियन फिमरी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद तुम देख सकते हो गैटर्स, डक्ट कहाँ पे है, गार्टर्स, ठीक है, ओवरी ऐसी है। ये एक सिंपली सा डायग्राम, वैसे आप अपना रफली ऐसे इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में टू अट्रैक्ट योर एग्ज़ामिनर, ताकि वो आपको और अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। यहाँ से आपने ये बनाया, ये आपका, रुकने ज़रा इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से देखिए, ये ऐसे डोम बनाया हमने, ये हमारा इस तरह से हो गया, ये हमारी ओवरी हो गई, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि फिर उसके बाद आप ऐसे मार्क कर सकते हो कि हाँ ये वाला यार कलर दिख नहीं रहा है, इससे करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा फंडस है, ये फिर उसके बाद अपना पूरा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ मतलब ओवेरियन फिमरी है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, देन इस्थमस है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, इंटरस्टिशियल है, एक इस्थमस यहाँ पे भी होता है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद सर्विक्स आ जाती है, ये सर्विक्स है, फिर उसके बाद वजाइना आ जाती है, ठीक है। होप आपको थोड़ा समझा, ऐसे रफली आप डायग्राम बना करके अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, और ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। इसके बाद नर्व सप्लाई देखते हैं, सेंसिटिव होती है यूट्राइन की नर्व सप्लाई, बहुत सेंसिटिव होती है, किससे होती है, यूट्राइन और ओवेरियन नर्व से होती है। डेवलपमेंट किससे होता है, अपर वर्टिकल पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मुलेरियन डक्ट होता है, 6 to किस में, 6 to मुलेरियन डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 10 वीक्स तक, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके बाद हम देखेंगे पेल्विक फ्लोर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं किससे, ओवरी से। ओवरी क्या है, प्योर्ड सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, गोनाड्स जिसको फीमेल्स के क्या होते हैं, गोनाड्स जिसको हम बोल सकते हैं। यू कैन अंडरलाइन दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल गोनाड्स एंड फीमेल्स, ठीक है। किससे कंसर्न्ड होते हैं, जर्म्स और मैचुरेशन से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टोर्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, जर्म सेल मैच्योर होते हैं, स्टोर होते हैं, उसका रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग स्टर्नोजेनेसिस, कैसे हम फर्दर देखेंगे कि कैसे माय प्रोनंसिएशन हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, बट अपना अपना टंग है, सो यू कैन अंडरस्टूड बाय योर ओन प्रोनंसिएशन, स्टीरोडोजेनेसिस, ठीक है। एक तो होता है कैसे जर्म सेल वहाँ पे मैच्योर होते हैं, कैसे उनका स्टोरेज होता है, कैसे रिलीज़ होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, सबसे मेन पार्ट ये प्योर सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, गोनाड्स कह दो हमने, फीमेल्स जो कंसर्न होते हैं, पहला फंक्शन क्या होता है इनका, जर्म सेल मैच्योरेशन करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कैसे स्टीरियोडोजेनेसिस होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ओवरी कैसे आगे चल करके हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे काम करता है, ओवरी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या सिक्रीशंस टेक्स प्लेस करते हैं, कैसे कैसे स्टोरेज होता है, क्या क्या रिलीज होता है, ठीक है। जो दोनों ग्लैंड्स होते हैं ओवल शेप के होते हैं, पिंकिश ग्रे इन कलर होता है, ठीक है, और जो सरफेस होता है वो स्कैर्ड होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, स्कार्ड होता है, सॉरी
ठीक है, सरफेस क्या होता है, स्कार टाइप में होता है पहले, बाद में जाकर के ये पिंकिश ग्रे कलर में हो जाता है, और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ड्यूरेशन के टाइम पे स्कार जैसा हो जाता है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे, ऐसे 3 × 2 × 1, दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये जो दोनों ओवरी होती हैं प्रेजेंट होती हैं दोनों एंड पे, ट्यूबल यूट्राइन और 2 बॉर्डर्स होते हैं, ट्यूबल होता है और एक यूट्राइन। ठीक है, कहाँ पे, ट्यूबल एंड यूट्राइन 2 बॉर्डर्स होते हैं, मीजोवेरियन होता है और पोस्टीरियर 2 सरफेस होते हैं, मीजोवेरियन एंड फ्री पोस्टीरियर 2 सरफेस होते हैं, मीडियल होता है, लेटरल होता है। ओवरीज क्या होता है, इंट्रा पेरिटोनल स्ट्रक्चर होता है। नली पैरा, जो नली पैरा, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नली पैरा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वेयर इट इज़ द वर्ड नली पैरा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नली पैरा क्या होता है, नली पैरा मतलब ऐसी मदर हु इज़ नॉट इवन कंसीविंग एनी बेबी, और नल इन पैरा, कोई भी पैरा मल्टीपल बर्थ्स ना हो, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, दैट इज़ अ नली पैरा मदर। तो उसकी ओवरी कैसी होती है, ओवेरियन फोसा में होती है, लिटरली पेल्विक वॉल पे। जो ओवरी अटैच होती हैं पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द मीजोर ओवेरियन टू द किससे, लिटरल पेल्विक वॉल से, जो इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट होता है पीछे की तरफ, और यूट्रस जो होता है ओवेरियन लिगामेंट में, उससे जाकर के अटैच होती हैं। रिलेशनशिप क्या होता है मीजोवेरियन और एंटीरियर बॉर्डर का, पोस्टीरियर बॉर्डर का, मिडल सरफेस का, लेटरल सरफेस का, और फोसा किससे रिलेटेड होता है, जो मीजोवेरियन होता है और जिसको हम लोग एंटीरियर बॉर्डर भी बोल सकते हैं, मीजोवेरियन समझ लो कुछ ओवरीज की आगे की तरफ, एंटीरियर मैं आपको बता दूँ, एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, लेटरल मतलब साइड में, मिडल मतलब बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई वर्ड्स होंगे, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जैक्टली मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके आप एक इमेज जो है फॉर्म कर पाओगे अपने माइंड सेट में, तभी जाके आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर आउट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जो मीजोवेरियन है ये क्या होता है, फोल्ड होता है पेरिटोनियम में, या फिर जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर लीफ होती है, जो किससे अटैच होती है, ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है ये जो पोस्टीरियर लीफ होती है, और आगे जाकर कि ये पेरिटोनियम में एक फोल्ड फॉर्म करती है, जिसको हम लोग मीजोवेरियन या फिर एंटीरियर बॉर्डर करते हैं। ये अटैच होती है एंटीरियर बॉर्डर थ्रू विच द ओवेरियन वेसल्स, और नर्व एंटर करती है हाइलम ऑफ द ग्लैंड में। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर मतलब पीछे का बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है, ट्यूबल एम्पुला से कनेक्टेड होता है, एम्पुला ट्यूबल, यहाँ ट्यूबल की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब के किस कौन से पार्ट की, एम्पुला की बात हो रही है, मैं आपको पिक्चर पिक्टोरिकल फॉर्म में दिखाती हूँ, वेयर इज एम्पुला, ये एम्पुला है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, नहीं तो देना चाहिए लोग को, खैर हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये सेपरेटेड होता है पेरिटोनियम फ्रॉम द यूरेटर और इंटरनल इलियक आर्टरी में। ठीक है, मीडियल सरफेस किससे रिलेटेड होता है, फेमरल पार्ट ऑफ ट्यूब से, फेमरल मीडियल सरफेस बीच का जो हिस्सा होता है वह फेमरल पार्ट ऑफ ट्यूब से कनेक्टेड होता है, लेटरल साइड का हिस्सा किससे कनेक्टेड होता है, ओवेरियन फोसा से कनेक्टेड होता है, लेटरल पेल्विक वॉल से, और जो फोसा होता है रिलेटेड टू सुपीरियरली टू द एक्सटर्नल इलियक वेन एंड पोस्टीरियरली टू द यूरेटर एंड इंटरनल इलियक वेसल्स एंड लेटरली टू द पेरिटोनियम सेपरेटिंग द ट्यूरेटर वेसल्स एंड नर्व्स। स्ट्रक्चर, द ओवरी इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबिकल सेल नोन एज अ जर्मिनल एपिथीलियम, द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स क्या होता है भैया, आप आगे पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स क्या होता है, कंसिस्ट करता है स्ट्रोमल सेल्स, जो क्या करता है, थिकेंड बीनीथ द जर्मिनल एपिथीलियम टू फॉर्म ट्यूनिका एल्बिजिनिया। वेरी गुड, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। ये देखो, जो हमारी ओवरी होती है ये 2 चीज़ों से मिलके बनती है, पहला कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जो हमारा कॉर्टेक्स होता है इसमें स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जो थिकेंड हो जाते हैं, कहाँ, जर्मिनल एपिथीलियम में, क्यों, ट्यूनिका एल्बिजिनिया बनाने के लिए। जब रिप्रोडक्शन फेज आता है, रिप्रोडक्शन फेज बोले तो प्यूबर्टी टू मेनोपॉज,
प्यूबर्टी से मेनोपॉज का फेज जो आता है, तब जो कॉर्टेक्स होता है वो स्टंड हो जाता है विद न्यूमरस फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी बोलते हैं. फंक्शनल यूनिट मतलब इट इज़ द इसेंशियल सेल्स विच फर्दर जा करके वही तुम्हारा ग्राफिन फॉलिकल एक मेच्योर ओवेरियन सेल बनेगा और जा करके फर्दर प्रोसीजर टेक्स प्लेस करेगा. तो फिर इसके बाद जो बाद में जाकर के हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, यूनिट्स ऑफ ओवरी बोलते हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है, बाद में डेवलप्ड होता है और इसी से रिलेट होकर के हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन. स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये हमारा सारा वेनस ड्रेनेज और आर्टेरियल का है, ओवेरियन फोसा आप प्रेफर कर सकते हो इसको. इसको हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, मैच्योरिक फॉलिकल्स. ये क्या है, स्टेजेस हैं ये, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारे जो जर्म सेल्स होते हैं, पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं, फिर मैच्योरिंग फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, फिर कॉर्पस ल्यूटम बनता है. एट्रेसिया ऑफ द स्ट्रक्चर रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द आर्टिक फॉलिकल्स और द कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है. इसके बाद अपन ने इससे पहले कॉर्टेक्स पढ़ा, फिर मेडियोला. ये मेडियोला क्या होता है, ओवरी का ही सेकेंड पोर्शन होता है. पहले हमने कॉर्टेक्स पढ़ लिया, कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है आपने देखा, कैसे प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर गोइंग टू बी मैच्योर इनफ एंड हाउ दे विल टेक प्लेस, ये हम और आगे से डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आगे एक डायग्राम आएगा, उससे बहुत ही अच्छे से क्लियर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और इसके बाद आपका आ जाता है मेड्यूला. यू कंसिस्ट करता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, कुछ अनस्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं इसमें, कुछ स्मॉल स्मॉल कलेक्शन सेल्स होता है जिसको हम लोग हाइलस सेल्स होते हैं, जो किसके होमोलोगस होते हैं, टू द इंटरस्टिशियल सेल, जो इंटरस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स के होमोलोगस होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आप इस चीज़ का, हाउ द ग्राफिन फॉलिकल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी मतलब उसका जो भी हमारा, जैसे जो हमारे हमने यहाँ देखा कि कैसे फंक्शन यूनिट ऑफ ओवरी यहाँ पे बोला गया है इन जर्म सेल्स को, उसी टाइप में ये फंक्शन यूनिट है. मतलब दिस इज समथिंग those cells which is taking place into the ovary and it their function is must for the ovary and for what the ovary is being for, ठीक है. मतलब basically why the ovary is formed, because ये जो function है it is taking place inside the ovary. So let's now start with this, with their functional things. सबसे पहले हमारा देखो, ये हमारी एक ovary है, ठीक है, ये हमारे जर्म सेल्स हैं, ठीक है. जर्म सेल्स ये मैच्योर जब होंगे तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, वुमेन ने कंसीव किया एंड शी इज़ कंसीव्ड अ बेबी गर्ल. तो बेबी गर्ल के अंदर जब कुछ जर्म सेल्स होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इन द मिलियन वेज, जब उस बच्चे का जन्म होगा इन अ फॉर्म ऑफ अ गर्ल एंड वो जाकर के एक अपना प्यूबर्टी स्टेज में आएगी, तब दिस विल गोइंग टू बी प्लेस. ये जो फंक्शन चीज़ें हैं उसकी फर्स्ट प्यूबर्टी, फर्स्ट जो मतलब हम जिसको मीनार्के बोलेंगे, मीनार्के की जो स्टेज होगी, जैसे नाउअडेज 12-14 ईयर्स मेनली मीनार्के की एज होती है फॉर द गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स के लिए, व्हेन दे विल स्टार्ट गोइंग टू फर्स्ट दे गोइंग टू फेस्ड विद देयर मेंस्ट्रुअल फेस, राइट. तो तब जाकर के ये जो मैं प्रोसेस आपको समझाने वाली हूँ, ये तब जाकर के वहाँ पे प्लेस होगा. तो सबसे पहले हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं, जर्म सेल से पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं. उसके बाद ये जाकर के मैच्योरिंग फॉलिकल्स, उसके बाद धीरे धीरे होकर के ये बड़ा होता है. ओके, ठीक है. प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में क्या होता है ना, सारे सेल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जितने भी जर्म सेल्स उसने उसके अंदर हैं, सारे जितने भी उसके ओवरी के अंदर, सारे मैच्योर होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा सेल होगा जो कि ज़्यादा डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है. मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा सेल है जो ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद मैच्योरिंग फॉलिकल आप देख पा रहे हो, इसमें अच्छे से मैच्योर हो पा रहा है फॉलिकल्स. फिर उसके बाद ये जो फॉलिकल है एक टाइम पे, हाँ,
इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसे ओवम बैठा हुआ है, और इसके बाद ये क्या है, एक टाइप का ग्राफिन फॉलिकल। ये मैच्योर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। जो ग्राफिन फॉलिकल, थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक वे में आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये हमारा, ये पहले तो हमारे छोटे 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 छोटे, जैसे ये छोटे 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 इसमें बन नहीं रहे, दीज आर राउंड 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 राउंड, बहुत सारे जर्म सेल्स हैं हमारी बेबी गर्ल के अंदर। जब वो 14 ईयर्स की होती है, 14 ईयर्स की हुई, 14 ईयर्स के होने के बाद जब उसकी फर्स्ट प्यूबर्टी वो रीच कर जाएगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, तो जैसे ये हमारा सेल है एक मैच्योर हुआ, ये हमारा ओवा है, इसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, ये मैच्योर हो चुका है। जब ये रप्चर हो जाएगा, ये सेल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, वो है, क्या बोलते हैं, ओवा रिलीज हो गया, ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, इन्होंने बाहर इसमें देख नहीं रहे उतने अच्छे से। फिर उसके बाद जो उसकी ओवर रिलीज़ हो गया, जो उसकी आउटर बॉडी बचेगी, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं, फिर बाद में जाकर के ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है, फिर यही चीज़ जाकर के कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब ये मेड्यूला पार्ट है, ये ब्लड सप्लाई, आर्टरीज और इन सब का ध्यान रखता है, मेसोवेरियन थिंग्स का ध्यान रख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई देखेंगे, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा इनको ब्लड सप्लाई देता है, आर्टरीज, ठीक है, वेंस में वेनस ड्रेनेज किस दे रहा है, पैम्पिनी फॉर्म प्लेक्सिस दे रही है, ओवेरियंस वेन हो रहे हैं, ड्रेन कर रहा है इन्फीरियर वेना केवा में, राइट साइड लेफ्ट, राइट साइड और लेफ्ट रीनल वेन वेनस ड्रेनेज कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसेंटल साइड ड्रेन करता है किसमें, ओवेरियन वेन में, और साइट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसीलिए इन सब प्रिपेरियम आप चैप्टर पढ़ोगे आगे जा करके, तब पढ़ देखो कि कैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अकर होता है, रिजल्टिंग होता है वेनस ड्रेनेज का। लिम्फैटिक्स में क्या होता है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड होते हैं, नर्व सप्लाई T10 सेगमेंट होता है, ओवरी सेंसिटिव होती हैं मैनुअल स्क्वीजिंग से, और डेवलपमेंट किससे होता है, जेनाइटल रिजेस होती हैं 9th वीक में, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब आप उसमें देख पाओगे कैसे जेनाइटल रिजेस फॉर्म होती हैं 9th वीक में। प्राइमरी जर्म सेल्स रीच करते हैं साइट पर, माइग्रेटिंग करते हैं डॉर्सल एंड ऑफ द यॉर्क सैक, यॉर्क सैक के डॉर्सल एंड की तरफ माइग्रेट करते हैं, और 9th वीक में आप इसके बहुत ही अच्छे से जेनाइटल रिजेस देख सकते हो इन द मदर ऑफ प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मदर है विच इज़ कंटेनिंग द फीमेल बेबी। चलो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इट्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मसल फेशियन रिलेशन टू पेल्विक ऑर्गन्स, ठीक है, क्या क्या मसल हैं, लिवेटर एनाई क्या है, पेल्विक फ्लोर क्या है, पेल्विक डायफ्राम क्या होता है, ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे। तो बस आप लोग लेक्चर सुनिए, बट लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को, सो दैट मुझे डेली का मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मुझे इससे सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। एंड बस थैंक यू, बाय बाय, एंड फॉलो माय चैनल, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।